एक नया गेम खेलेंगे जो हरूफ और आवाजों की मशक है। हम आज बिंगो खेलेंगे। इस सेशन में आप देखेंगे कि बच्चों के साथ सौती आगही और इल्मुल अस्वाद के लिए आवाज और हरूफ के बाहमी रिश्ते पर कैसे बात करनी चाहिए। वैसे तो ये सिखाने के कई तरीके हैं, लेकिन इस मिसाल में हम बिंगो खेल के जरिए इन दोनों तसव्वुरात के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये गेम दो मुख्तलिफ तरीकों से खेली जाती है। इस गेम की खास बात यह है कि हर दर्जे के कारी इस गेम में हिस्सा ले सकते हैं। बस ज़रूरी ये है कि हुरूफ तहजी लिख सकते हों और मुख्तलिफ आवाज़ें समझ सकते हों। आप बताएं आपने कौन सा हर्फ सुना? लाम। शाबाश। इशल, आप बताएं आपने कौन सी आवाज़ सुनी? ल। ल। बिंगो का तारुफ बच्चों से करवाएं और हुरूफ की फहरस्त करते हुए बच्चों से बोर्ड पर हुरूफ की लिस्ट लिखवाएं। जब तक बच्चे एक कतार में सारे हुरूफ ना ढूंढ लें, उस वक्त तक आप हुरूफ बोलते रहें। इस तरह वो तालिब इल्म फातेह होगा। बिंगो। शाबाश, आप जीत। अगर वक्त इजाजत दे तो उस्ताद ये खेल जारी रख सकता है या फिर फातेह अपने लिखे हुए हुरूफ बता सकता है। पिछली मिसाल इब्तदाई पढ़ने वाले तलबा के लिए थी, लेकिन ये सरगर्मी आप मजीद बड़े बच्चों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खेल को मजीद थोड़ा मुश्किल बनाइए और हुरूफ की जगह आप लफ्जों का इस्तेमाल करें। अब गेम स्टार्ट करें हम? ठीक है। बच्चों से इनकी स्लेट पर एक टेबल बनवाएं, खेल को लचकदार रखें और समझ लें कि कौन से हुरूफ या आवाज़ों की मश्क आपके तलबा को करनी चाहिए। आप इन्हीं महारतों को खेल का हिस्सा बनाएं। इस सरगर्मी के साथ आप जो सिखाना चाहते हैं वो सिखा सकते हैं। लफ्ज़ों की इब्तदाई इख्तियारी और दरमियानी आवाज़ें सब इस खेल के जरिए वाज़े हो सकती हैं। किताब, किताब, समझ आ रही है सब बच्चों को? यस। ठीक है।